माँ सरस्वती के आशीर्वाद के साथ हमारे कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। जैसे कि हम और आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की ये रिवाज होता है कि हम हमारे किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत ईश्वर के नाम से, भगवान के नाम से, गॉड के नाम से करते हैं। हमारे और एक जजेस पवार सर जी भी आ चुके हैं, मैं उन्हें भी गुजारिश करूंगा कि वो इस प्रकार के लिए यहाँ पर पधारे। हमारे मोरू सर जी प्रगत्य कर रहे हैं, संजय सर जी। मन मचल कर मोर होना चाहिए, फिर एक बार कंपटीशन में बेहतरीन नगमों का दौर होना चाहिए। पार्टिसिपेंट तो सारे पहुंचा देंगे अपने बेहतरीन नगमों को आप तक, लेकिन हर पार्टिसिपेंट के लिए आपकी तालियों में आशीर्वाद का जोर होना चाहिए। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। नवीन सर, अनुराधा मैम, संतोष सर, प्लीज स्टेज पर आ जाइए। मैं हिमा मैम से अनुरोध करूंगी कि वे आके फैसिलिटेट करें मिस्टर नवीन सर को। वैसे ये रस्म को प्रोग्राम के मध्यांतर में किया जाता है, लेकिन हम शुरू से करना चाहते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत मिस अनुराधा मैम की होगी। मैडम एक फोटो अच्छी तरह से क्लिक होने चाहिए क्योंकि हमें नेक्स्ट सीजन जो करना है। मैं मिस निधि मैम को बुलाना चाहूंगी, वे स्टेज पर आए। कार्यक्रम में ऐसा बहुत बार होता है कि हम सिर्फ पहले जो स्टेज पर दिखते हैं ना उनको ही ध्यान देते हैं, बट जो बैक स्टेज के कलाकार होते हैं ना वे कभी हमें दिखते नहीं। तो निधि मैम का जो हमारे कार्यक्रम में हिस्सा है वह कुछ इसी तरह रहा है, वो बैक स्टेज रही है पर जो हमारा साथ है उनका बना रहा है। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वे संतोष सर को बस फैसिलिटेट करें। मैं संजय अंकल को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। संजय अंकल स्टेज पर आ जाएंगे। संजय अंकल मिस्टर नवीन जी को फैसिलिटेट करेंगे। फिर से आपकी जोरदार ताली होनी चाहिए। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी आप अपना स्टेज अपना स्थान ग्रहण करें। थैंक यू जजेस। ओल्ड इज गोल्ड, जब तक हम पुराने को महत्व नहीं देंगे तब तक हमें कुछ ऐसा अधूरा अधूरा लगता रहता है। तो वैसे ही हमारे पुराने जजेस मिस्टर अरविंद अंकल, मिस्टर समीर मोरे सर, आप प्लीज स्टेज पर आ जाइए। समीर सर जी और अरविंदाल सर जी भी बड़ौदा और गुजरात कला जगत से जुड़े हुए हैं। मैं हिमा मैम से अनुरोध करूंगी कि वे आके अरविंद अंकल को फैसिलिटेट करें। मैं मोंटू अंकल से अनुरोध करूंगी कि वे समीर सर का फैसिलिटेट करें।
जोरदार तालियां। हाँ, अभी अभी पहुंची हमारी छोटी सी प्यारी सी जज बंसरी दलवाड़ी। हम उनको फैसिलिटेट करना चाहेंगे उन्हीं के प्रिंसिपल सर के साथ। सर प्लीज स्टेज पर आ जाइए। हेलो हेलो, मैं सभी कंटेस्टेंट्स जो फाइनल राउंड के कंटेस्टेंट्स हैं उन सभी को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। एक बार आप सभी स्टेज पर आ जाइए ताकि हम एक सुंदर सा प्यारा सा फोटो क्लिक कर सकें। सभी लोग एक बार स्टेज पर आ जाइए। इसलिए हम सारे लोगों का जो फाइनल में आए सारे लोगों का पहले फेलिसिटेशन करना चाहते हैं कि उसको एक मेडल और सर्टिफिकेट से कि वो जब भी देखे उसको याद रहे कि दिस इज माय पैशन, इसको मुझे आगे ले जाना है और इसको इतना आगे ले जाना है कि कोई बड़ी कंपटीशन में मैं जीत कर आऊँ। बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोग छोटी छोटी कॉम्पिटिशन में हारे हुए हैं मगर बड़ी कॉम्पिटिशन में बहुत ज़्यादा नाम किया है। फॉर एग्जाम्पल आज के जमाने का नहीं मगर हमारे जमाने का सबसे बड़ा सुपरस्टार राजेश खन्ना, वो फिल्म फेयर की कंपटीशन में उसका नंबर सेकंड नंबर आया था। पहला नंबर आया था सुभाष घई का और सेकंड नंबर आया था उसका, मगर राजेश खन्ना सुपरस्टार बन गया था। और कुछ टाइम के बाद सुभाष घई वो उसने एक्टिंग छोड़कर वो डायरेक्शन में चले गए, उन्होंने भी डायरेक्शन में अपना नाम बनाया। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि जो फाइनल में आए वो भी कल हमें याद करेगी। आपको आपके सॉन्ग एंजॉय करना है, आपके टैलेंट को अपने फैमिली मेंबर्स के सामने हम सबके सामने आपके बेस्ट टैलेंट को पेश करना है।
क्या बात है, क्या बात है। अगर ये इसके साथ और 50 भी होते ना, तभी भी यही जीतता। हम आपस में डिस्कस करने के लिए मजबूर हो गए। कहीं भी इसने, इस बच्चे ने कुछ भी मतलब मार्क्स काटने के लिए छोड़ा ही नहीं। देखिए, ये युमा कराओके कॉन्टेस्ट युमा टेलीविज़न एंड स्प्रिंग ऑफ रिदम दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो उनके लिए जो फर्स्ट प्राइज है उसके लिए एक कैरियोके म्यूजिक सेट है, एक ब्लूटूथ स्पीकर है, एक युमा टेलीविज़न की ओर से कमिटमेंट है कि जो फर्स्ट आएंगे उसके 4 वीडियो सॉन्ग युमा टेलीविज़न अपने स्टूडियो में रिकॉर्ड करेंगे। उसके अलावा युमा टेलीविज़न इट्स ए स्कूल ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, तो ब्रॉडकास्टिंग से कनेक्टेड कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो उसमें से 50% आपको कंसेशन मिलेगा। इसके अलावा हमारे साथ जो पार्टनर है, फॉर एग्जांपल N6 आइसक्रीम, वो अपनी तरफ से गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। उसके बाद मिस्टर पप अपनी तरफ से गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। एक है MSG फैशन, वो अपनी तरफ से गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। फिर एक है प्रिंस एंटरटेनमेंट, वो अपनी तरफ से एक मेमेंटो और ट्रॉफी भी दे रहे हैं। नारे ना
स्टेज को बांधे रखे और अपने जो हमारे सामने ऑडियंस है उसे बांधे रखे, तो वो बहुत खूब से निभाया था। जोरदार तालियां हो जाए। कलाकार दिख रहे हैं आपको इतने शानदार, इसमें क्या है, इन लोगों के बगैर मैं कुछ कर नहीं सकता था। तो समीर भाई, कल्पना जी थोड़े लेट हो गई थी इसलिए मैं उनको जरूर इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, और बंसरी, हम चारों ने मिलके कोशिश करी कि जो है अच्छे से अच्छा। मुझे बहुत प्राउड लग रहा है कि इतना सुंदर ये लोग गा रहे हैं, है ना, इतना सुंदर गा रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि हम लोग जीत गए। क्यों? तो इसमें हम चारों का मतलब मैं तो इन लोग का मतलब साथ था, लेकिन ये किंग मेकर नहीं, नहीं पीठ के पीछे नहीं, आप लोग सब, आपके बगैर मैं कर नहीं सकता था। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Thank you.
किसको बताऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको अपनी प्रेम कहानियां, अपनी प्रेम कहानियां। जालिमा की, जालिमा की, हाय तीन निशानियां। मैं शर्माऊं किसे किसको बताऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको अपनी प्रेम कहानियां, अपनी प्रेम कहानियां। वेदिका प्लीज कम ऑन द स्टेज। मैं मिस निधि से अनुरोध करूंगी कि वह आके हैम्पर दें। द हैम्पर इज कंसिस्टिंग ऑफ यूमा टेलीविजन प्रेजेंट कराओके सिस्टम, ब्लूटूथ स्पीकर, सॉन्ग रिकॉर्डिंग कमिटमेंट लेटर, डिस्काउंट कूपन फ्रॉम एंड फ्रॉम रॉक एकेडमी एंड मोमेंटो फ्रॉम प्रिंस एंटरटेनमेंट and gift hamper from N6 ice cream. Big round of applause. Princess award. Angel, give a big round of applause for her. Congratulations, Meeta. Zordar taali. एंजल सच की प्रिंसेस लगती हुई। चलिए सो जोरदार तालियां हो जाए एक बार जोरदार तालियां। कभी किसी का दिन होता है, कभी किसी का दिन होता है, उसमें आज जो है जो जीते उनका दिन होगा, अदरवाइज वो सारे विनर है। आप कोई भी अपना कॉन्फिडेंस लूज ना करें और आगे बढ़ते रहें। Wish you all the best for your future.